नमस्कार जी, ये माँ भगवती सिद्धेश्वरी माता हैं। जिला पुलिस लाइन सोलन के द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है। इनका इस मंदिर का रख रखाव व जो भी इसकी व्यवस्था है वो की जाती है। और जो नवरात्रा हमारा आता है, रात्रों में सिद्धदात्री का होता है, उनका ये प्रारूप है। ये माता जो है राजाओं के समय राजाओं की सेना के साथ जो माता का रूप रहा करता था, क्योंकि हर राजा का एक कुलदेवी और एक जो उनकी सेना होती थी उनके साथ रूप रहता था। कई जगह काली रूप होता था, कई जगह माँ दुर्गा का रूप होता था। तो वो ये जो यहाँ के बघाट राजा हुआ करते थे उनकी सेना के साथ ये माँ भगवती जी की स्थापना थी। ये जब प्रदेश बना तो राजाओं ने अपनी सेना प्रदेश सरकार को दी, और प्रदेश सरकारों ने जिस जिस जिले में जिस जिस राजा ने दी, वो उस जिले के जहाँ उन्होंने जमीन भी दी, उन राजाओं ने जहाँ पर उनकी सेना रहती थी वो जगह भी दी एजिटीज। तो ये कंडा घाट में जहाँ अब हमारा थाना है वहाँ पर राजा की छोटी सेना की छोटी टुकड़ी रहा करती थी, वो ये माता भी वहीं पर स्थापित रहा करती थी। तो जब ये प्रदेश में विलय हुआ, प्रदेश सरकार ने अपने अधिग्रहण में लिया इसको, तो जिला सोलन बना। सोलन में सोलन को गृह वो सोलन का हेडक्वार्टर बनाया गया, जिला का मुख्यालय बनाया गया। और यहाँ पर जो ये न्यू कथेड़ में यहाँ जिला पुलिस को जमीन आवंटन हुई। यहाँ पर जब आवंटन हुई, कॉलोनी बनने लगी, क्वार्टर्स बनने लगे, तो वहां से फिर जो है माता को उठा करके, माता की मूर्तियों को उठा करके, वो फिक्स नहीं थी वो मूर्तियाँ, ऐसे पत्थर की मूर्तियाँ थी सारी, उठा करके उन्हें यहाँ लाया गया। तो फिर एक रूम में रखा गया, वहाँ उनकी पूजा की जाती थी। फिर यहाँ पर मंदिर के लिए जगह का स्थान का वो एक चयन किया गया, इस स्थान पर फिर माता का मंदिर बनवाया गया। ये करीब 1988-89 के करीब की बात है जब ये मंदिर बनाया गया। और वो मूर्तियाँ पत्थर की थी, वह कुछ खंडित हो गई थी काफ़ी, उसमें बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी, मैंने भी देखी है। मैं तो खैर नया हूँ, मंदिर तो बहुत पुराना है स्थान माता का, लेकिन पत्थर की मूर्तियाँ थी उसमें, राम भगवान जी की भी थी, हनुमान जी की भी थी, और माँ भगवती जी की भी बड़ी सुंदर आकृति वाली मूर्ति थी, परंतु वो सारी खंडित हो गई थी, तो उन्हें फिर बाद में विसर्जित किया गया। और 89 में ये माता का अष्ट धातु का जो प्रारूप बनवा करके ये यहाँ पर माता जी को स्थापित किया गया, उसी प्रारूप को यहाँ पर स्थापित किया गया। फिर धीरे धीरे ये आगे ऐसी आवश्यकता पड़ी, हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया गया, शनिदेव जी का, भैरवनाथ जी का मंदिर स्थापित किया गया, शिव जी का मंदिर स्थापित किया गया। साथ में यहाँ पर यहाँ की स्थाननीय देवी का भी स्थान था जी, ये जो साथ में काली माता का मंदिर है, तो इसे भी यहाँ के गांव वाले लोगों की कुल देवी हैं वो, तो उन्होंने भी इसका फिर थोड़ा सा मंदिर को नया रूप बनाया। पहले तो नहीं था, स्थान ही था मात्र, केवल सुंदर मंदिर बनवाया गया। तो इस प्रकार से माँ भगवती जी की यहाँ पर स्थापना की गई। हर नवरात्रों में यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा, जिला सोलन द्वारा वो चंडी पाठ करवाया जाता है, और 8वें नवरात्र को हवन, कंजकाएँ व भंडारा किया जाता है। ये पुलिस प्रशासन की तरफ से रहता है, बाकी लोगों बीच में भंडारा करवाना चाहते हैं वो अलग रहता है, लेकिन ये अष्टमी का भंडारा लगभग पुलिस प्रशासन की तरफ से रहता है जी, जिसमें पुलिस के सभी अधिकारी लगभग आते हैं और उन्हीं के द्वारा हवन किया जाता है, और प्लस सुंदर रहता है माँ भगवती की कृपा से। इस माँ भगवती की बड़ी ही कृपा है जी, बहुत लोग अनेकों प्रकार की मान्यताएं करते हैं और यहाँ से पूर्ण होती है, बड़ी बड़े बड़े संकटों से लोग उभरते हैं। तो बड़ी शक्तिशाली माता है वो, सबके ऊपर माता की कृपा रहे। जय श्री राम, जय माता दी।